राजधानी देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव रतनपुर में पहुंचकर जम्मू कश्मीर के तंगधार क्षेत्र में 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात हवलदार दीपेंद्र कंडारी के निधन पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। साथ ही उन्हें अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारत माता के एक अमर सपूत हवलदार दीपक कंडारी जो मेरी यूनिट 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धा सुमन करने उस परिवार में गया था, और जब उसकी माँ की पत्नी मुझसे चिंतित हो गई थी तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और देशवासी का कर्तव्य और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। और शासन द्वारा अनुमन्य जो हमारी घोषणाएं, उसके अनुरूप जो परिवार मांग करेगा उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और मैं उस महान नायक को अपने श्रद्धा से प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।